मॉर्निंग के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ कोमल गंडोत्रा। आइए नजर डालते हैं दिनभर की प्रमुख सुर्खियों पर। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस। राजनयिकों की यात्रा का दूसरा दिन कश्मीरी पंडितों से करेंगे मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रतिबंध लगाने के सभी आदेशों की एक हफ्ते में समीक्षा करे जम्मू कश्मीर प्रशासन। अब समाचार विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने आज जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। ये याचिका भाजपा नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दाखिल की थी। इससे पहले भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने पीएमओ में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर अनुच्छेद 370 हटाने के बाद दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे अमेरिकी समेत 15 देशों के राजनयिकों ने यात्रा के दूसरे दिन यानी कि आज जम्मू में राज्य प्रशासन के अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। जो डेलीगेट्स आए थे उन्होंने चार पांच बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज रेज किए। पहला इशू उन्होंने ये रेज किया कि 70 साल में क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने डिमांड रेज की 370 को रिमूव करने के लिए, क्योंकि ये 70-72 साल से कंटिन्यू कर रहा था। हमने उनको बताया कि जो एक पॉलिटिकल पार्टी सेंटर में पावर में रही है 60 साल, उनकी पॉलिटिकल विल नहीं थी। बेशक ये टेम्पररी था, लेकिन उन्होंने ना इसको रिमूव किया ना इसको परमानेंट किया। जिस पॉलिटिकल पार्टी में विल थी उस पॉलिटिकल पार्टी ने इसको रिमूव किया। और उन्होंने ये भी पूछा कि क्या जो संविधानिक प्रक्रिया थी इसको रिमूव करने की, उसको फॉलो किया गया कि नहीं। हमने उनके नोटिस में यही लाया कि 370 को रिमूव करने का जो रास्ता था 370 में ही था। क्लास 3 ऑफ आर्टिकल 370, प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन से 370 हटाया जा सकता था। प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन से हटाया, लेकिन उसके अलावा भी ये पार्लियामेंट में और राज्यसभा में दोनों में ये संकल्प पेश किया गया, रेजोल्यूशन वहाँ से भी पास करवाया। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर प्रशासन को केंद्र शासित प्रदेश में प्रतिबंध लगाने के सभी आदेशों की एक हफ्ते में समीक्षा करने का आदेश दिया और इंटरनेट के इस्तेमाल को संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकारों का हिस्सा बताया। न्यायमूर्ति एनवी रमन की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने जम्मू कश्मीर प्रशासन से अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों जैसे आवश्यक सेवा प्रदान करने वाली सभी संस्थानों में इंटरनेट सेवाओं को बहाल करने के लिए कहा। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिला में पाकिस्तानी सेना ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। इस दौरान भारी गोलाबारी की चपेट में आने से सेना के 5 पोर्टर घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं उपचार के दौरान 2 पोर्टरों की जान चली गई, घायल अन्य 3 पोर्टरों का उपचार चल रहा है। इसके साथ ही भारतीय सेना पाकिस्तान की इस नापाक हरकत। पंचायत चुनाव को 1 साल बीतने के बाद अब सरकार उपचुनाव करवाने जा रही है। जम्मू संभाग के 10 जिलों में उपचुनाव पहले 4 चरण में होने जा रहे हैं। चुनाव विभाग अगले सप्ताह अधिसूचना जारी कर सकता है। वहीं ये चुनाव 14 फरवरी से मार्च माह के बीच होने की संभावना है। पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं पीडीपी के संस्थापक सदस्य मुजफ्फर हुसैन बेग ने कहा कि अनुच्छेद 370 पर पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के भड़काऊ बयानों के कारण ही राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। बेग ने कहा कि मुफ्ती ने 2017 में केंद्र को चेतावनी दी थी कि अगर अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर के लोगों को प्राप्त विशेष अधिकारों और सुविधाओं के साथ छेड़छाड़ की गई तो राज्य में तिरंगा पकड़ने वाला कोई नहीं बचेगा। अशोक गुप्ता ने सीएए के समर्थन और 370 हटाए जाने के हक में सरकार की तारीफ की। अगर इसको विषय को लेकर के इंटरनेट थोड़ी देर के लिए बंद करना पड़ता है, 5 महीने के बाद जम्मू कश्मीर की जनता उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, लेकिन मुंबई वालों को क्या कष्ट हो रहा है? उनको क्यों फ्री कश्मीर चाहिए? कश्मीर फ्री हो चुका है, 370 से फ्री हो चुका है। कश्मीर औरतों को अधिकार देने से फ्री हो चुका है। कश्मीर के अंदर उग्रवादियों से हम फ्री हो चुके हैं, अलगवादियों से फ्री हो चुके हैं और कुंभाप्रस्ती से फ्री हो चुके हैं। अब किस तरह का फ्री कश्मीर कहने का हम प्रयास करना चाहते हैं, इसमें मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ। ये जो JNU के अंदर, DU के अंदर विद्यार्थियों की आड़ के अंदर कुछ लोग पीछे राजनीति की रोटियां सेकने का प्रयास करना चाहते हैं, इनसे बेखबर होने की बात करनी। हम इंटरनेट को और बर्दाश्त करेंगे ताकि हमारे जवान शहीद। आज जम्मू यूनिवर्सिटी में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया लोहड़ी का पर्व। जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर अपने लॉ स्कूल एक लोहड़ी का छोटा जा कार्यक्रम किया हा, जो डायरेक्टर ने शमूलियत की, सारे टीचर पूरा स्टाफ और यूनिवर्सिटी के बख बख शोबे के बच्चे भी साढ़े इतना आइए साढ़े कन्नै साथ दिता और साढ़े फंक्शन की और 4 चैनल लाए ने। 10+2 लेक्चर्स फोरम ने धरना प्रदर्शन कर सरकार से मांग की कि उनको जल्द से जल्द रेगुलराइज किया जाए। इससे पहले कि हम कोई ऐसी कोई
बुरी हरकत कर दे जो आपके लिए भी अच्छी नहीं हो, हमारे लिए भी अच्छी हो। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि सर प्लीज आपने जो कमेटी बिठाई है, हमारा जो भी डिसीजन लिया है, प्लीज आप लोग हमें जो है वो रिटर्न में दे दीजिए, ताकि हम लोग जो है अपनी शांति से अपने घरों को जा सके और इस स्टेट में इस यूटी जो आपने बनाई है उसमें शांति बहाल हो सके। भारतीय जनता पार्टी की SCA इकाई ने रैली निकालकर CAA का समर्थन किया। जो कांग्रेस के कई लोगों ने पिछले लियाकत और नेहरू के बयानों के बाद जो संधि हुई थी कि कोई भी मिनोरिटी जिस देश में होगा उसकी हिफाजत वो सरकार करेगी, उसके खिलाफ पाकिस्तान में जिस प्रकार टी मोर्चा और जगदीश जी जो हमारे इसके अध्यक्ष हैं और पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि इसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए वो जम्मू कश्मीर की धरती पर जिस प्रकार तिरंगों के साथ निकले हैं। जम्मू कश्मीर रिजर्व कैटेगरी एम्पावरमेंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाकिस्तान में ननकाना साहिब पर हमले के शहर के अंदर 12 तारीख को एक बहुत बड़ी रैली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं परेड ग्राउंड में। हम लोग सारे MLC जनता से अपील कर रहे हैं, यूनाइटेड अपील कर रहे हैं कि वो सारे बढ़ चढ़ के उसमें पार्टिसिपेट करें, ताकि एक जनता में ये इल्यूजन जो खड़ा करने का प्रयास होता है कि नहीं लोग इसके साथ नहीं है, ये तो पार्लियामेंट में सिर्फ BJP ने पास कर लिया है, वो इल्यूजन दूर किया जा सके। इसलिए आम जनता से अपील है कि उस सारे में सभी सभा संस्थाएं, सभी सोसाइटी के विंग, हर प्रकार की शेड के लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जम्मू कश्मीर रिजर्व कैटेगरी एम्पावरमेंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाकिस्तान में ननकाना साहिब पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। और इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा के अंदर किसी भी धार्मिक स्थल पर ऐसे अटैक जो नहीं होने चाहिए। PB News 9 के आज के अंक में बस इतना ही, कल होगी फिर से मुलाकात, तब तक देखते रहिए PB News 9। नमस्कार। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय जेम ऑप्टिशन एंड कॉन्टेक्ट लेंसेज, नई बस्ती जम्मू, नरेंद्रा सन एंटरप्राइजेज, रेजिडेंसी रोड जम्मू, कृष्णा डायग्नोस्टिक लैब कमिटेड टू प्रूव क्वालिटी, पेशेंट केयर एंड डायग्नोसिस अंडर वन रूफ, 51/9 त्रिकुटा नगर नियर पुलिस स्टेशन, पूरी एक्सक्लूसिव वुमेन, डिजाइनर सूट, साड़ीज, लहंगाज एंड ब्राइडल गाउन्स, गणेश दया नर्सिंग होम, तलापतिलो रोड बिहाइंड पेट्रोल पंप, पक्का गराट जम्मू, फ्रेंड्स टॉयज, विजिट फॉर ऑल काइंड ऑफ टॉयज फॉर ऑल एज ग्रुप, संजय नगर जम्मू। Yeah.